हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है फिट एंड फाइन होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको डिपॉजिट और विड्रॉल की प्रॉपर जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको भी डिपॉजिट में या विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। या फिर जो है आप यूज़ कर रहे हो या फिर नए नए हो, तो आपको ये सारी जानकारी जो है पता होना चाहिए, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही डिपॉजिट में ना ही विड्रॉल में। बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, किस तरीके से आपको डिपॉजिट लेना चाहिए, किस तरीके से आपको विड्रॉल करना चाहिए, पूरी जानकारी छोटी सी वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने यहां पे ओपन किया है बिनोमो प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले हम डिपॉजिट की बात करते हैं। यहां पे अगर आपको डिपॉजिट करना है तो आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना होगा। जब आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे जो है यहां पे ऑप्शन आ जाएंगे। एक चीज जो है मुझे यहां पे बहुत अच्छी लगी है, एटीएम का ऑप्शन आता था और जो है आपके बहुत सारे जो है ऐसे ऑप्शन थे जिससे अगर आप इनको पैसा डिपॉजिट करते थे ना तो आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। ठीक है, तो अब वो जो है ऑप्शन वहां से हट गया है। आपको जो है अपने एटीएम से, ठीक है, कभी भी जो है किसी भी साइड पे इस तरीके की डिपॉजिट नहीं करना है। आपको लोकल जो है मेथड चुनना है या क्रिप्टो करेंसी चुननी है। तो यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ, जो ऑप्शन आए हैं ना, यूपीआई है, नेट बैंकिंग है और यूपीआई जो है क्यूआर कोड है। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, ये आप ऑप्शन जो है अपने फ़ोनपे से जो है, पेटीएम से, किसी भी तरीके से जो है इनको सेलेक्ट करके इनको पैसा जो है सेंड कर सकते हो। ये डायरेक्ट आप कंपनी को नहीं सेंड कर रहे हो, आप लोकल जो है पर्सन को जो है यहां से भेज रहे हो, वो जो है आगे भेजेगा। ठीक है, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, किसी भी तरीके की। बाकी जो है बाइनेंस है, यहाँ पे तीतर है और जो है यहाँ पे USDT/ERC-20 है। तो इसके थ्रू अगर आप डिपॉजिट करते हो ना, बहुत फास्ट जो है डिपॉजिट होता है और बहुत ही फास्ट जो है विड्रॉल होता है। तो इनमें जितने भी ऑप्शन हैं इनमें से आप सेलेक्ट करके जो है अपना डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो है एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत लोगों को जो है इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है कि वो डिपॉजिट तो कर देते हैं लेकिन उनके अकाउंट में ऐड नहीं होता है। अगर आपने डिपॉजिट कर दिया है और आपके अकाउंट में ऐड नहीं हो रहा है तो आपको बिनोमो सपोर्ट टीम से जो है डायरेक्टली बात करनी पड़ेगी। चैट पे जो है बात करेंगे, आपने जो ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो वहाँ पे सेंड करनी होगी, बताना होगा। ठीक है, वो चेक करेंगे और बाद में जो है आपका अगर सही होगा तो आपके अकाउंट में जो है अमाउंट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं विड्रॉल की। बहुत लोगों को जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं, विड्रॉल तो कर लेते हैं लेकिन उनके बैंक अकाउंट में वो विड्रॉल नहीं आता है। तो इस वजह से जो है ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और वो काफ़ी लोगों से जो है पूछते हैं इस बारे में कि मैंने आज विड्रॉल लगाया और जो है अभी तक मेरा जो है अमाउंट नहीं आया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप न्यू हो, ठीक है, आप न्यू ट्रेडर हो और आपने अभी अकाउंट बनाया है, एक या दो, ज़्यादातर उन लोगों को प्रॉब्लम आती है जो बिल्कुल न्यू होते हैं और उनको जानकारी नहीं होती है। आपने दो डिपॉजिट किए, चार डिपॉजिट किए, उसके बाद जो है आपको विड्रॉवल की पड़ गई जरूरत, आपने विड्रॉल लगाया। अब जैसे ही आपने विड्रॉल लगाया, आज आपने विड्रॉल लगाया, दोपहर में लगाया, रात हो गई, सुबह हो गया, आपका विड्रॉल नहीं आया है, तो अब आप परेशान हो जाते हो कि भाई 24 घंटे हो गए, 20 घंटे हो गए, 16 घंटे हो गए, हमारा विड्रॉल हमें नहीं मिला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो न्यू ट्रेडर होते हैं जिनका स्टैंडर्ड जो है अकाउंट होता है, उनको जो है मैक्सिमम 3 दिन में विड्रॉवल मिलता है। यानी कि जो वर्किंग डेज है इसमें जो है संडे या बीच में कोई छुट्टी ना हो, ठीक है, उसके बीच में जो है आपको विड्रॉवल नहीं मिलेगा। जब 3 दिन कंप्लीट हो जाएंगे उसमें जो है आपको विड्रॉवल मिलता है। इसी तरीके से जो है एक ऑप्शन जब आपका जो है थोड़ा सा और अच्छा अकाउंट हो जाता है, और जो आपका वीआईपी अगर अकाउंट हो जाता है तो उसमें जो है लगभग जो है 4 घंटे में जो है आपका विड्रॉल मिल जाएगा, और वीआईपी वालों को तो और जल्दी जो है लगभग 2 घंटे में विड्रॉल मिल जाता है। तो जैसा आपका अकाउंट होगा उसके हिसाब से जो है आपको विड्रॉल मिलेगा। प्रोफाइल में जाके प्रॉपर जो है आप चेक कर सकते हैं कौन से अकाउंट में कितने समय में जो है विड्रॉवल मिलता है। तो इस तरीके से जो है आप देखने के बाद जो है कर सकते हैं। बाकी अगर आपका टाइम पूरा हो गया है और फिर भी विड्रॉवल नहीं मिला है तो आपको फिर से जो है वही काम करना पड़ेगा, इनकी सपोर्ट टीम पे जो है जाना पड़ेगा, वहाँ पे जो है बताना पड़ेगा फला फला टाइम जो है मैंने विड्रॉल लिया है और मेरे अकाउंट में या मेरे जहाँ पे भी आपने विड्रॉल किया है TRC-20 पे या जहाँ पे भी, कि इसमें जो है नहीं आया है, तो आपसे जो है वो उसकी जो है ट्रांजेक्शन जो है मांगेंगे,
वो ट्रांजैक्शन जो है आपको 2 दिन की या 10 दिन की उनको देनी होगी, वो चेक करेंगे, अगर नहीं आया होगा तो आपका इजी तरीके से जो है विड्रॉवल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिपॉजिट कर सकते हैं, इस तरीके से विड्रॉवल कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है इसका सोल्यूशन ले सकते हैं। बाकी एक चीज़ जो है आप लोगों को और बताना चाहूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप उसमें जुड़ सकते हैं, @shanhelp पे क्लिक करके आप जो है मुझसे अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। और एक चीज़ जो है आप लोगों से बोलूँगा, हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं, जो भी हम आपसे बात करते हैं या जो भी हम आपको देते हैं, वो सब कुछ जो है फ्री है, किसी का भी कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। और ये जितने भी प्लेटफॉर्म है एज रजिस्टर्ड है, यहाँ पे आपके 100% तक का लॉस हो सकता है। हम जो वीडियो बना रहे हैं ये नॉलेज के लिए वीडियो बना रहे हैं, किसी भी कंपनी को घटावा या बढ़ावा देने के उद्देश्य से नहीं बना रहे। कोई मैं प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, ना ही कोई एडवाइज़र हूँ, सिर्फ नॉलेज मुझे है और वही जो है मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट्स करके जरूर बताएं।